अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह ऑनलाइन फ्री टिकट बुकिंग, जिसको फ्लैट रिजर्वेशन भी कहते हैं, टिकट रिजर्वेशन भी कहते हैं या डमी टिकट भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नेम भी इसके हैं तो वो आप लोग किस तरह ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से वेबसाइट ट्रैवल एजेंसी वाले यूज़ करते हैं, आप किस तरह अपने अगर वीज़ा के लिए आपकी ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा के अंदर रिक्वायरमेंट्स है कि आपने फ्लैट रिजर्वेशन लगानी है तो वो किस तरह आप तैयार कर सकते हैं, या अगर हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे जस्ट रिजर्वेशन वो मांग रहे हैं तो वो किस तरह आप कर सकते हो। याद रखिए कि कोई भी शख्स अगर विजिट वीज़ा वगैरह पे किसी भी बाहर मुल्क जा रहे हैं तो उसके लिए कंफर्म टिकट होता है, वो जस्ट रिजर्वेशन के थ्रू नहीं जा सकता, जो कि कन्फर्म टिकट आपने फिर किसी ट्रेवल एजेंट से या ट्रेवल एजेंसी वालों से ख़रीदनी पड़ती है। तो अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो हम भी आपको ये सर्विस दे सकते हैं, आपके लिए जस्ट फ्लैट रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, डेमी टिकट्स या टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप इस पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें, हम जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो उसके बाद आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ट्रेवल एजेंसी का काम करते हो तो आप लोगों के पास सेवर का आईडी होगा, तो उस अगर ये सेवर आईडी आप लोगों के पास है फिर तो किसी भी और थर्ड पार्टी वेबसाइट की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको यूज़ करके आप ऑनलाइन हो किसी भी एयरलाइन में, ऑलमोस्ट 90% एयरलाइन में आप ऑनलाइन हो उसके लिए जस्ट बुकिंग कर सकते हो, उसके बाद उसको आप कैंसिल कर सकते हो। जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिसर बैठा है उसको भी पता है कि रिजर्वेशन 2-3 घंटों के लिए वैलिड होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो आप भी उसके लिए जस्ट बुकिंग करो, उसको फिर आप लोगों ने कैंसिल करना है, क्योंकि अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो सेवर के अंदर आपके ऊपर फाइन आ सकता है, ठीक है। तो ये सेवर आईडी जिस ट्रेवल एजेंसी वालों के पास हो तो उसको कोई मसला नहीं है, वो तो किसी भी एयरलाइन में, ऑलमोस्ट 90% एयरलाइन में वो ऑनलाइन लोगों के लिए आसानी के साथ वो टिकट बुक कर सकते हैं, उससे 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये चार्ज कर सकता है, ठीक है। अगर ये किसी के पास नहीं हो तो फिर कुछ और ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेवल एजेंट नहीं हो ना तो आप क्या करोगे, ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप इस वीडियो का बिल्कुल गलत इस्तेमाल न करें, मेरा काम है आपको समझाना, आपको कोई मसला वगैरह आता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा है कि ये FIA का ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ पर आकर आप यहाँ पर अपना सिटी टाइप करोगे, यहाँ पर जहाँ पर जाना है वो, इसके अलावा आप यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन डाल के कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर आप अपने लिए फ्री बुकिंग कर सकते हो, वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं सकता कंप्लीट तरीका, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। आसान है, यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट सिटी सेलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची से कहाँ जाना है तो आप लोगों ने यहाँ पे वो लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दुबई जाना है तो यहाँ पर दुबई इस तरह टाइप करना है तो यहाँ पर ख़ुद ब खुद दुबई शो होगा, अगर इस तरह शो नहीं हो रहा तो DXB आप लिखिए, ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ पर आपको रिजल्ट शो होगा। मेरे इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो यहाँ पर इस वजह से शो नहीं हो रहा, यहाँ पर आप इसको रिफ़्रेश करके दोबारा ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, लेकिन जस्ट आपको लोगों को वेबसाइट की ओवरव्यू देता हूँ सारी वेबसाइट की, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, EarBlue का ये जो PIA था तकरीबन बहुत से ममालिक की जाती है, तो अगर आप इसके अंदर आपका सिटी मौजूद है PIA के अंदर तो उसमें आप बुकिंग कर सकते हो, उसके बाद EarBlue, तो EarBlue पे अगर वन वे का राउंड ट्रिप ट्रिप का करना चाहते हो, इसके अलावा मल्टी सिटी, यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिटी नेम लिखना है, यहाँ पर जहाँ पर जाना है वो लिखना है, डेट लिखना है, अगर रिटर्न भी करना है तो यहाँ पर रिटर्न डेट लिखना है, अगर रिटर्न नहीं करना है वन वे सेलेक्ट करें, यहाँ पर वो ख़त्म हो गया, सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे बुकिंग करी, उस बुकिंग को यूज़ करके आप वीज़ा वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीरीन एयरलाइन, जो कि ये भी पाकिस्तान का एयरलाइन है, ठीक है, यहाँ पे वन वे, यहाँ पे डिफार्चर सिटी आप लोगों ने टाइप करना है, यहाँ पे डेस्टिनेशन जहाँ पे जाना है वो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डेट्स वगैरह टाइप करके आगे सर्च करोगे, उसके बाद नाम वगैरह डाल के आप आसानी के साथ यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो।
उसके बाद तुर्किश एयरलाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा मुमालिक की जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना सिटी नेम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस्लामाबाद यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। कहाँ पे जाना है, फॉर एग्जांपल आप दुनिया के किसी भी जगह पे जाने, फॉर एग्जांपल इस्तांबुल जा रहे हो तो इस्तांबुल इस तरह लिखे IST या इस्तांबुल का कम्प्लीट स्पेलिंग, उसके बाद डेट्स वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट करके आप लोगों ने सर्च कर देना है। अब याद रखिए इसमें कुछ एयरलाइन ऐसी है कि वो आपको प्री बुकिंग नहीं दे रही, उसके ऊपर आप लोगों ने चार्जेस देनी है। तो मैंने ऑलरेडी बताया अगर आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा एयरलाइन फ्री में आपको दे रहा है बुकिंग, ठीक है। तो ऐसा है, यही वजह है कि आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रैवल एजेंसी वालों से ख़रीद सकते हो 500,000 रुपए में। उसके बाद यहाँ पे जो अवर एयरलाइन है कतर एयरवेज़, ठीक है, तो उसका भी यही वेबसाइट है, इसको यूज़ करके आप लोग यहाँ पे अपने लिए कर सकते हो जो टिकट बुकिंग है। उसके बाद ये फ्लाई दुबई का है, तो यहाँ पे आकर आप लोगों ने वन वे या रिटर्न वे जो भी है आप लोगों का वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसके अंदर बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद सऊदी एयरलाइन है, तो सऊदी एयरलाइन भी काफ़ी जगह जाती है, तो आप लोगों ने सिटी यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे जाना है वो टाइप कर देना है, डेट्स वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे भी कर सकते हो। उसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन है, एमिरेट्स एयरलाइन में भी यहाँ पे सिटी और जहाँ पे जाना है वो आप लोगों ने इस तरह टाइप करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लाइनास है, फ्लाइनास, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे वन वे जाना है, राउंड ट्रिप हो जहाँ पे भी है वो आप लोग यहाँ पे सर्च करके उसके मुताबिक अपनी बुकिंग कर सकते हो। ऑलरेडी बताया, कुछ लोग नीचे कमेंट्स करेंगे कि मतलब इसमें फ्री बुकिंग नहीं होता, तो कुछ एयरलाइन में होती है। असल में हम पाकिस्तानियों को ये ज़्यादातर बुकिंग की फैसिलिटी नहीं देती है, और आप लोगों अगर थोड़ा मतलब सिस्टम जानते हो तो लोग यहाँ पे VPN वगैरह का भी यूज़ करते हैं और उसके थ्रू फिर अपनी कंट्री का जो लोकेशन है वो चेंज करके आसानी के साथ बुकिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद गल्फ़ एयरवेज़ है, तो गल्फ़ एयरवेज़ में भी आप यहाँ पर बुकिंग वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह ये मैंने आपको सारी एयरलाइन के बारे में बताया। मेरा इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपको PIA का समझा रहा था थोड़ा, तो यहाँ पे आप लोगों ने आसानी के साथ PIA में यहाँ पे आप लोगों ने सिटी सेलेक्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल कराची, उसके बाद जहाँ पे जाना है वो सिटी यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया दुबई, तो या DXBO लिखी या दुबई का कम्प्लीट स्पिनिंग लिखी, ठीक है। उसके बाद कौन से डेट पर जाना है वो डेट्स यहाँ से सेलेक्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न अगर भी करना है तो ठीक, वरना वन वे पे क्लिक करोगे रिटर्न खुद ब खुद हट जाएगा। ये 31 डेट मैंने वन वे सेलेक्ट किया, रिटर्न 19 डेट को, उसके बाद कितने एडल्ट है, वन है, टू है, जो भी है वो आप लोग सेलेक्ट करके डन। उसके बाद बिजनेस क्लास का ये कौन सा चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद सर्च फ्लाइट पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे फ्लाइट सर्च करोगे, उसके बाद आपने अपनी सारी डिटेल डालनी है, यहाँ पर आप लोग आसानी के साथ हो बुकिंग कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की, क्योंकि मैंने डेट यहाँ पे गलत सेलेक्ट किया है तो इस डेट पे फ्लाइट अभी नहीं बन रही है, आप लोगों ने थोड़ा डेट चेंज करके देखना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है और आप चाहते हो तो हम आपके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग रिजर्वेशन जस्ट कर सकते हैं वीज़ा वगैरह के लिए और बहुत ही मुनासिब चार्जेस के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।